नमस्ते नमस्ती सत शामेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे तो आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के एक बयान के ऊपर जिसमें ही हैज़ गिवन एन एडवाइस टू ऑल दी इस्लामिक स्पीकर्स और ये है uh, इसका टाइटल ही है फितने वेल्थ वेल्थ फेम एंड तो इसमें फितने मीन्स होते हैं मिस और इसमें उन्होंने देखते हैं वीडियो में क्या डिस्क्राइब किया है बिकॉज़ वेल्थ के ऊपर है कुछ उन्होंने जो बयान दिया है देन फीम देन वीमेन तो देखते हैं इसमें क्या जिक्र किया गया है उसके बाद में फिर हम लोग ये जो है अभी हेलोविन पे त्रक्षा ने ये पम्पकिन हेलोविन बनाया था एंड जी पेस्टिड ओवर हेयर आई डोंट हैव नो टू पेस्ट बट आपको पता है बच्चे कुछ बनाते हैं उन्हें बहुत शौक़ होता है कि हमें इसे कहीं ना कहीं वॉल पर लगाना है या कुछ तो शिपोटी टो भैया इसे इग्नोर करो जस्ट पे अटेंशन ऑन द वीडियो सो लेट स्टार्ट द वीडियो और फिर एंड में मिल के डिस्कस करेंगे बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक एंड शेयर माई वीडियो और हाँ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो स्टार्ट द वीडियो अली भाई आपकी अकेडमी में क्या खुतिन को आने की इजाज़त है बिल्कुल कोई इजाजत नहीं जी, कोई इधर आने की कोशिश ना करे, इस किस्म की कोई हरकत ना करे। उसकी वजह यह है कि खुवातिन को ज़रूरत ही नहीं है घर से बाहर निकलने की आजकल तो कोई बहाना ही नहीं है और इस हवाले से जो वमह यह धोखा दे के हज़रत आयशा सदीक़ा की मिसालें देते हैं कि उनके पास जाके लोग इल्मिल करते थे पहली बात है हज़रत आयशा ने कभी किसी साहबी के घर जा कोई दर्श नहीं दिया कोई जयीफ़ रवायत ले हैं सयद आयशा से भी जो अब जाके इल्म सीखते थे वो पर्दे में सीखते थे हुजरे से बाहर दूसरा सयद आयशा के पास वो इल्म था जिसका सोर्स वही थी सलाम की आयली जिंदगी अगर औरतों का मर्दों को तालीम देना साबित होता तो मेरे भाई आप सैकड़ों सहाबियात हजारों ताबियात और लाखों तबाहबिया वो बेहतरीन दौर था ना दिखाते हैं ना कहीं मिलता है आपको मैं बिल्कुल इस हाक में नहीं हूं कि डॉक्टर फरत हाशमी या कोई और औरत के दुरूस कोई मर्द आडियो में भी सुने जरूरत ही नहीं आप डॉक्टर सरार को सुन लें और किसी की वीडियो सुन लें मर्दों का क्या काम है कि औरतों को कुरान में तो नबी की बीवियों के बारे में आया कि आपने भी सूरत में ऐसे लच्छेदार अंदाज में गुफ्तगु नहीं करनी जो पर्दे के बाहर को साहत नबी मोमिन की जानों के ऊपर उनसे बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माए हैं मां से भी अल्लाह तह रहा है कि पर्दे में करना है और नबी की बीवियों कोई लच्छेदार तरीके से गुफ्तगु नहीं करनी कि कहीं किसी के दिल में रोग हो तो वो कोई नेगेटिव इंटेंशन अपने दिमाग में बना ले ये उमातुल महातुलमिन के बारे में बात तो आजकल की औरतें वो कैसे क्लेम करेंगी हमने मर्दों को इल्म सिखाना है और ये करना है वो एक स्पेसिफिक केस था वहां पे भी इतनी सकती है तो अब औरतें जिस किस्म की आवाज में और जिस तरीके से वह दर्स दे रही होती हैं उस आवाज से तो औरत मर से गुफ्तगु कर ही नहीं सकती मर्द से जब गुफ्तगु नहीं कर सकती तो मर्द भी उसके उस अंदाज की गुफ्तगु दरसे कुरान के तौर पर नहीं सुन सकता और ना औरतों का काम यह है कि मुफ्ती साहब से जाके कोई इल्म सीखे ये मुफ्तियों के पास उलमा के पास ये लोग जाती हैं पहले स्टूडेंट होती हैं कुछ अरसे बाद आपकी वो बन जाती हैं ममा आपकी बीवियों की मल्लमा बन जाती हैं वो और फिर उनके मुर्दीन उसको जस्टिफाई करते हैं वो कहते हैं जी एडा मदरसा ने निकी अलीन खोल के दिता ना उम्मत की खिदमत आस्तेश का अली अली नु खोल के दिता ने उम्मत की खिदमत आते उम्मीद की खिदमत आस्ते हो तो फिर चंदे लाके थे ना ना चले वो बेसिकली जितनी बीवियां ज्यादा होंगी उतनी फ्रेंचाइज ज्यादा होंगी उतने मदरसे ज्यादा होंगे हाँ तो यही कुछ होता है ना इसीलिए ये कर रहे होते हैं तो इसका अंजाम यही होता है आप देखें जितने स्पीकर हैं ना वो औरतों से ही मारे जाते हैं इसलिए हमने अपनी वीडियोस में बारहा इस बात का ऐलान किया है कि तीन चीजें जो है ना जी उसकी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कोई गुंजाइश नहीं नंबर वन दौलत नंबर दो शोहरत और नंबर तीन औरत है याद रखना दौलत शोहरत और औरत ये तीन जहर कातिल है यानी जहां पे चंदा इन्वॉल्व हो जाएगा ना वहां पे आप देखेंगे करप्शन शुरू हो जाएगी जहां पे शोहरत इन्वॉल्व हो जाएगी वहां पर शोरत से मुराद ये है कि एक बंदा कहता है जी मनु फलाने जगह टिकट दे के बुलाओ मैं जनाब ऑस्ट्रेलिया का विजिट करना है मैं कैनेडा का विजिट करना है मैंने अमेरिका में जाकर दर्ज देना है तू तूने क्या वहां दर्श देना है मेरे भाई वहां ऑडिटोरियम में चालीस पचास बंदे लेके बैठे होते हैं और वहां जिनके पास ये लोग जाते हैं उनके हजारों क्या लाखों डॉलर लगवा देते हैं किराए के ऊपर तो क्या निकाला उसमें से तुमने यहां बैठो सवाल मंगवाओ वीडियो में रिकॉर्ड करो और वीडियो लिंक से खिताब कर लो कर डायरेक्ट करना है उनके जाके पैसे लगवाते हो फिर वो वहां जाके हमें जो स्टोरी है इनकी पता है ना कि किस तरीके से ये लोग होटल इनको पसंद नहीं आते हैं हमें तो बड़े बड़े उलमा की यहां पे स्टोरियां लोग बता के जाते हैं मैं तो उनको ही डांटता हूं कि यार मुझे क्यों आगे बता रहे हो उनको जाके कहो ना उनके आगे बोलते नहीं हो और तुम लोग घूंगे हो इसीलिए तुम्हारा इस्तेसाल हुआ इनशाला क्या मत तक इस तरह ही होता रहेगा जब तक करवाते रहोगे ये मौलवी तुम्हारी चमड़ियां उतारेंगे तो शहरत यहां पे हमें लोग आते हैं हम कहते हैं नहीं मेरे भाई आप बड़ी स्क्रीन लें ये रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी बेहतरीन एच डी फोर के रिकॉर्डिंग वहां बैठ के देखें स्कून से यहाँ अकेडमी में भी जो लोग आते हैं मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि यार जो एक दफा आया प्लीज आप वीडियोज में देखें बार इधर आने की जरूरत नहीं ये कि कभी कोई दोस्त को लाना पड़ जाता है कोई ऐसा यहाँ आके क्या करना है हैं आपने मुझे हाथ लगाने से कुछ नहीं होना मेरे भाई ठीक है कोई जब भी, भी डाल ले वो इल्म ट्रांसफर नहीं होता वो उलमा दो बांधी है जो सीने से फैस ट्रांसफर कर सकते हैं और कब्रों से हम नहीं कर सकते अगर सीने से ट्रांसफर होता होता तो अम्बिया के अपनी औलादे जो हैं वो अम्बिया की वारिस बन जाती जो उनके जिस्म का टुकड़ा होती थी उनमें भी लोग काफिर हो गए हजरत नूर इस्लाम का बेटा काफिर हुआ तो इस तरह नहीं ट्रांसफर होता और तीसरा फितना जो है वो फितना ये मैं पंजाबी वाला फितना नहीं अरबी वाला आजमाइश जिसके जरिए अल्लाह आजमाता है वह औरत है सूर्य इमरान में भी अल्लाह तुम जयन अल्दास पहले नंबर पे कहा मिनन निसा पहले नंबर पे औरत आजमाइश बुखारी मुस्लिम की हदीस है नबील इस्लाम ने फरमाया कि मैं अपने बाद मर्दों के लिए औरत से बड़ी कोई आजमाइश छोड़ के नहीं जा रहा फितने का लफ्ज है लेकिन वो अरबी वाला मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूं ऐसे ही मुस्लिम अदीस है कि नबी इस्लाम से जब पूछा गया अचानक उठ जाने वाली निगाह के बारे में मर्द की औरत पे उठे या औरत की मर्द के ऊपर तो फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया कि मैं उसे नीचा कर लू जिसे वो उलमा ने ट्रांसलेट किया कि पहली निगाह माफ है वो डाल के माफ नहीं है अचानक उठ जाने वाली नजर के में अचानक ये है कि पता नहीं चला अगर पता है तो जान बुझ के एक ऐसे करके नहीं एक करनी तो अभी आप कितने स्पीकर आप मुझे कोई एक इंटरनेशनल स्पीकर बताएं जो इन तीन फितनों से बच गया हो औरतों वाले स्कैंडल तो आए दिन आते हैं उससे कोई बचा है तो दौलत के आप हिसाबों किताब देखें कि पिछले दिनों इंग्लैंड के सिर्फ पीरों के एसेट्स की डिटेल्स आई थी पाकिस्तानी अरबों में है यही हालात है आप इनका लिविंग स्टैंडर्ड देख लें तो आपको अंदाजा हो रहा है और शोहरत वाला मामला तो आप देख लें इनका नाम आप सिंपल लिख देना तो ये इश्तेहार जो है वो गुस्से से वापस कर देते हैं तो कहते हैं, हमने आना ही नहीं है इवन में अपने नाम के साथ लिखे हों लेकिन उनका जो जिससे प्रोफेशनल जेलेसी है उसका नाम बड़ा लिखा हो इनका छोटा हो या उसका मेन जगह पे हो ये साइड पे हो वो कहते हैं, मैं नहीं जा जाना गल खत्म अगली गल ही नहीं पहले तो कितनी देर वो इतने नाराज रहते हैं कि वो बंदे को समझ नहीं आती कि मसला क्या हुआ है वो कहते गाल कर रही छोड़ दो यानी वो कहते हैं तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या करना है तो हम बात ही नहीं करेंगे इस टॉपिक के ऊपर वो कहते कहानी खत्म तो ये तीन फितने जो है ना जी ये इस एकेडमी में इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है दौलत शौरत और औरत लिहाजा यहां पे एकेडमी में कोई ऐसा सिलसिला नहीं है ना कोई शुरू करने की जरूरत है ये मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो इल्म हासिल करें अपनी बीवियों को अपनी बहनों को अपनी बेटियों को वो सिखाएंगे अगर आपको सिखाने में शर्म आती है तो आप उनको किताबों के साथ जोड़ दें किताबें पढ़ने के लिए दे दें और मैं तो कतन ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि वीडियोस दें हां ऑडियो रिकॉर्डिंग आप दे सकते हैं आ, मर्द की किसी औरत को या मर्द उस मर्द को औरत का देखना जायज है जिसके बारे में उसको नेगेटिव ख्याल ना आए क्योंकि औरत का जो मर्द को देखना है ये उस लेवल की चीज नहीं है वहां पे वो गुंजाइश मौजूद है जो गांधी साहब निकालते हैं गांधी साहब का तो मौकफ है ना कि अगर बुरी नज़र से देखें तो निगाह उठाना हराम है अदरवाइज कोई हराम नहीं है जो कुरान में हुक्म आया कि मोमिन मर्दों को अपनी निगाहें नीचे रखें और मोमिन औरतों को कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें तो इससे मुराद यह है कि वो बुरी निगाह से ना देखें ज़रूरत देखना जायज़ है ये बात औरत का मर्द को देखने की हद तक तो ठीक है मर्द का औरत को देखना हर सूरत में मना है उसकी वजह यह है कि मर्द एक्टिव नेचर का होता है उसमें बुरा ख्याल आ जाता है औरतें उमूमन इस तरह की नहीं होती हैं उनको अल्लाह तला ने पैसे बनाया इसीलिए आप देखें कि जो पर्दा है ना वो मर्द ने नहीं करना होता औरत ने करना होता है अदरवाइज तो अल्लाह ताला हुक्म देता कि मर्द भी पर्दा करके निकले ताकि किसी औरत की निगाह ना उन पर पड़ जाए ये उसका फिजिकली सबूत है कि अल्लाह ताला ने दोनों को डिफरेंट बनाया बहरहाल जहां पर खतरा हो वहां पर ऑडियो सुने वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं है तो इसलिए ये यहां पर अकेडमी में इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है अब तो ये YouTube की वजह से वीडियोस की वजह से ये इशू ही खत्म हो गया है कि आप किसी फ़िज़िकली किसी जगह पे जा करें हाँ जहाँ पे औरतें दर्स देती हैं वहाँ अपनी औरतों को ज़रूर आलुदा इंटरनेशनल में बड़े अच्छे कोर्सेज़ होते हैं डॉक्टर फ़रत हाशमी हैं उनकी सिस्टर भी हैं निगत हाशमी उनके बड़े अच्छे कोर्सेज़ होते हैं और बड़े पर्दे का एहतमाम होता है वहाँ पर बिल्कुल मर्दों की कोई इन्वालमेंट नहीं होती है जहाँ पर वो अपने प्रोग्राम मैनेज करते हैं वहाँ पर आप अपनी बीवियों को बेटियों को बहनों को माओं को भेजें वो दर्स अटेंड करें कोर्सेज करें लेकिन जहाँ मर्द औरत का अख्तलात है इसकी इस्लाम में बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं जहाँ मैं तिरमजी में हदीस है जहाँ पर दो अजनबी मर्द औरत होते हैं तीसरा शैतान उनमें होता है बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है इस्लाम से जब मर्द औरत के अख्तलात के बारे में पूछा गया उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल हुआ कि देवर के बारे में आपका क्या मौक़ है आपने फरमाया देवर तो मौत है इतने सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए और आप देख लें आजकल मैं तो खैर मुझे याद ही नहीं है कि मैंने शायद मैट्रिक से पहले कभी आखिरी दफ़ा कोई अंधेरा उजाला ड्रामा देखा उसके बाद तो मैंने कोई ड्रामा इतना टाइम ही नहीं था लेकिन हमें लोग बताते हैं कि जी आप तो ड्रामों में इस किस्म की चीज़ें वो इस किस्म के अफेयर्स दिखा के और प्रैक्टिकली लोगों को अपनी तरफ से वो तो एजुकेट ही कर रहे हैं ना कि ये भी होता होता है कई एक ऐसी चीजें जो आम लोगों को पता ही नहीं होती हैं वो इन ड्रामों के जरिए खामखवा लोगों को एजुकेट करते हैं और बेहयाई जो है वो फैला रहे हैं देखें हम जब छोटे छोटे थे उस वक्त एक ही ड्रामा आठ से नौ लगता था सड़कें वीरान हो जाती थी लोग वो बैठ के देखते थे और उससे आप कोई मॉरल लेसन लेके उठते थे यानी 80s के 90s के जो ड्रामे हैं ना वो मास्टरपीस हैं। मनचले का सौदा अशफाक साहब का लगता था अंधेरा उजाला वारिस ये वो ड्रामे थे जिन्होंने इस नेशन की जहनी तथहीर की और बिल्डिंग जिसे कहते हैं ना बिल्ड करना किसी नेशन को लेकिन अब क्या है अब ड्रामों में वो कल्चर दिखाया जा रहा है जो हमारे मुल्क के रहने वाले लोग ही नहीं है जिस किस्म की गाड़ियां और जिस किस्म के ये मामला दिखाए जा रहे हैं ये तो पाकिस्तान में पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट लोगों के पास भी इतनी दौलत नहीं है कि वो इस किस्म की जिंदगी गुजारे आपके सामने ये सारे मामला तो वो किस किस्म के लोगों को प्रोमोट कर रहे हैं उसमें से क्या निकाल रहे हैं ड्रामे तो खत्म ही कर देने चाहिए मैं तो कहता हूं डॉक्यूमेंट्रीज होनी चाहिए इसकी बजाय आप नेशनल जोग्राफिक डिस्कवरी एनिमल प्लानट ये चैनल्स देखें और आप इंडिया को देख लें उन्होंने सारे चैनल्स उर्दू में डब कर दिए हम लोग ये एफर्ट नहीं पुट कर सके वो तो इंडिया के चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगाई बहुत अच्छी बात है ये चैनल्स भी बंद हो गए वो इतनी तो कर इस्तेमाल करो कि उन चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगाओ जिसकी वजह से मसला खड़ा हो रहा है जो ड्रामों वाले फिल्मों वाले चैनल हैं ये चैनल्स क्यों बंद कर रहे हो तुम लोगों के पास तो इतना पैसा ही नहीं कि नेशनल ज्योग्राफी को ट्रांसलेट कर सको कि हमारे लोग उर्दू में एजुकेट हो सके लेकिन मैं आपको बताऊं नाइंटीज के अंदर पीटीवी 2 टू शुरू हुआ था उसमें जितनी साइंटिफिक उस वक्त यानी आप समझ लें डिस्कवरीज या साइंटिफिक तालीम जो है वो उर्दू डबिंग के साथ दिखाई जाती थी नेशनल जोग्राफिक के प्रोग्राम उस वक्त वो उर्दू डबिंग के साथ दिखाते थे उस जमाने में यार अब तो पाकिस्तान की जो लोकल लैंग्वेज हैं पंजाबी सिंधी पश्तो बलोची इसके अंदर चैनल होने चाहिए थे नेशनल जोग्राफिक के यानी एक स्टेप आगे होना चाहिए था ना तो आज के जरा यंग बच्चों को पूछे जो 99 या 2000 के बाद पैदा हुए हैं उनसे जरा पूछे कि उन्होंने कभी उर्दू डबिंग के साथ कोई साइंटिफिक प्रोग्राम हमारे चैनल्स के ऊपर देखा है इसका मतलब है, हम तो बिल्कुल रिवर्स ही गए हैं ना 90s में पीटीवी टू का चैनल शुरू हुआ था तो उसमें तो ये सब कुछ होता था इवन एफ लेवल की जो फिजिक्स थी उसके सारे वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके वो जो ने किए होते थे उसे उर्दू डबिंग के साथ दिखाया जाता था एक एक चीजें क्लियर होती थी अब तो हमें बहुत आगे जाना चाहिए था लेकिन हम थींदे थींदे थी गया बस अब हमारे पॉलिटिशियंस के हमारे रियास्ती इदारों के लीडर्स की सिर्फ बातें बयान सुन लें ठीक है अपने इन सब के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं क्यों उन्हें पता है कि यहां पे पताम का मैार ही नहीं है अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि तालीमने सबकी एक जैसी करनी है तो एक जैसी करने का तो मतलब यह था कि जो लोग ऑक्सफोर्ड का सिलेबस नहीं पढ़ रहे इनको अपलिफ्ट करें इन्होंने पकड़ के जो पढ़ रहे थे उनको भी नीचे कर दिया अब कॉन्वेंट में मेरी अपनी बच्चियां भी पढ़ती हैं क्या स्टैंडर्ड है उनका पढ़ाने का क्या स्टाइल है कहता हूं जी बच्ची आप कॉन्वेंट दाखिल कराएं फिर दस साल के लिए भूल जाए वो सबको एक जैसा बना के निकालते हैं ये होते हैं स्कूल उनको कह रहे हैं जी ऑक्सफोर्ड खत्म करके आप पंजाब टेक्सट बुक बोर्ड लगाए बजाय पंजाब टेक्सट बुक बोर्ड के कोर्स को अपडेट करने के उनको पकड़ के घसीट रहे हैं कि अगर हमारा कोई टैलेंटेड बच्चे निकल रहे हैं मुल्क से कॉन्वेंट से पढ़ के तो वो भी निकलने बंद हो जाए और रही सही कसर जीडी कोरोना ने काट देती है बच्चे काबू से बाहर हो गए डेढ़ दो साल से तो आप समझे कि बच्चे छुट्टियों ही हैं जब उनको पता ही नहीं है कि स्कूल खुलने हैं नहीं खुलने है, एक दिन खुलना है दो दिन बंद होना है रूटीन ही नहीं बनती रूटीन तो रोजाना के कामों से बनती है ठीक है उन्हें मार मार के लिटाना पड़ता है बिस्तरों पे, और सुबह मार मार के उठाना पड़ता है पहले सब कुछ मुंह चल रहा था तो वो पावर्टी सर्कल को हमारे इन गरीब मुल्कों में तोड़ने का एक ही जरिया है वो तालीम है गुरबत का सर्कल यानी गुर्बत का जो दायरा है इससे बाहर निकलने का जरिया एक तालीम है वरना तो अमीर आदमी का बेटा ही अमीर होगा जो आके बाप की मसनत पर बैठ जाएगा दुकान के ऊपर कारोबार को संभाल लेगा लेकिन गरीब आदमी का बच्चा जिसके पास रिसोर्सिस ही कोई नहीं है वो अमीर तो हो ही नहीं सकता सवाए एक चीज के कि वो पढ़ लिख जाए अच्छी नौकरी हासिल कर ले और वो फिर उस पॉवर्टी सर्कल से पूरी फैमिली को बाहर निकाल यानी अक्सर आप मिडिल क्लास फैमिलीज जो देखते हैं लोअर मिडिल क्लास वो तालीम के जरिए ऊपर आई नहीं है हम में से कितने लोग ऐसे हैं आप हमारे बौजदाद को देखेंगे वो बेचारे उनकी वो उस तरह का लाइफ का स्टैंडर्ड नहीं होगा लेकिन तालीम की वजह से आस्ता आस्ता फाइनेंस मीट हुई है तो गरीब खानदानों के पास एक ही जरिया था कि तालीम के जरिए वो गुर्बत के सर्कल से खुद भी निकलते पॉवर्टी सर्कल से अपने घर वालों को भी निकालते हैं। वो भी गरीब से ये भी छीन लिया इन लोगों ने तो इस तरीके से अब आप देख लें अमेरिका में यूरोप के अंदर अब वैक्सीनेशन के बाद उन्होंने प्रॉपरली स्कूल वगैरह खोल दिए और यहां पे आप हालत देख लें जो कुछ हो रहा है तो किसी चीज के ऊपर कोई तवज्जो नहीं हमारे बड़ों की जब हमारे बड़ों की मीटिंग्स जो हैं वो दूसरे सियासी लीडरों के खिलाफ हो रही हो और मुल्क के इशू डिस्कस ना हो रहे हो हमारी अपोजिशन का काम सिर्फ गवर्नमेंट की टांगे खींचना हो एक दूसरे के स्कैंडल्स निकालना हो एक दूसरे की वीडियोस लीक करना हो बजाय कोई काम करने के फिर सर यही कुछ होगा जब हम इसी पे लगे हुए कि हम किसी की वीडियो बनवा लें और लीक कर दें तो सर कौम का तो फिर यही हाल होगा ना तो ये हमारे बस मेरा ख्याल है हमारे जो बड़े ना ये सिर्फ एक दूसरे की वीडियोस बना सकते हैं काम कोई नहीं इस कौम के लिए कर सकते ओके, okay. सो so, इस वीडियो में अली मिर्ज़ा साहब ने बोला है कि उनके जो जमात होती है उसमें सबसे पहले फीमेल्स का आना अलाउड नहीं है मैंने सोचा था शायद वैसे होता है हम लोग कि क्यों ने स्ट्रिक्ट कर रहे हो या क्या रीज़न है तो मुझे भी वही अच्छा सा नहीं लगा था सुन के कि मतलब ऐसा क्यों बट उसका रीज़न ये था जैसे कि वीडियो में मिर्जा साहब ने भी बोला है कि मेल्स आर एक्टिव जो फीमेल्स हैं वो पैसे कंसीडर होती हैं मेल्स फीमेल्स को देख के जो मेल है वो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं उन्हें कुछ बुरा बोल देना या उनके या फिर ये विश करना कि शायद वो जो ख़ूबसूरत लड़की है उनकी हो जाए या उनसे उनकी मैरिज हो जाए है ना वो सब चीज़ें तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि इस बेटर कि वो घर पे रहें वहीं पे रह गए तालीम लें इसमें एक चीज़ मुझे डाउट था कि तालीम मींस रिलेटेड टू कुरान जो इस्लाम में कुरान होली बुक है उससे उसमें जो भी जो कुछ मेंशन है उसकी तालीम लेने के लिए उन्हें वहाँ आना नहीं चाहिए या कोई भी तालीम लेने के लिए फीमेल्स को किसी मेल से इंट्रैक्ट नहीं करना चाहिए ये थोड़ा सा डाउट है मुझे बिकॉज़ स्कूल्स में तो कभी होते हैं हमारे जो सर होते हैं मेल टीचर्स भी होते हैं स्कूल्स में तो उसमें वो चीज़ कैसे होगी पता नहीं बट हाँ इस वीडियो में उन्होंने मेंशन किया है कि रीज़न कि फ़ीमेल्स को बाहर नहीं जाना चाहिए और उन्हें ट्राई करना चाहिए कि वो घर पे रहकर ही तालीम ले सके उसका रीज़न ये था कि किसी की बुरी नज़र उन पर ना पड़े क्योंकि मैं नहीं कहना चाहती कि सब जो बंदे होते हैं मेल ऐसे होते हैं बट तो जो सेकंड था उन्होंने बोला है कि जो प्रोग्राम्स वगैरह के लिए ये थोड़ा पॉलिटिकल इशू हो जाता है आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट और बट ये तो फैक्ट है कि इंडिया में भी पहले एक चैनल स्टार्ट हुआ था और काफ़ी पाकिस्तानी प्रोग्राम्स आते थे बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स होते थे मैं आई हैव दिस पर्सनैलिटी दैट आई नेवर एवर स्पेंड टाइम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टी वी आई फील की दिस इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम कि अगर हम लोग सारा दिन टी वी के आगे बैठ के कुछ ड्रामा देखते रहते हैं कुछ भी प्रोग्राम्स चलते हैं मॉर्निंग uh, और इवनिंग में थोड़ी देर के लिए टी वी देखती हूँ न्यूज़ चैनल लगाती हूँ बंद कर देती हूँ न्यूज़ चैनल भी ऐसा नहीं कि पूरा दिन बिकॉज़ वो सेम न्यूज़ को ही रिपीट करते रहते हैं सो दैट इज़ अगेन वेस्टेज ऑफ टाइम और जो प्रोग्राम्स की उन्होंने बात की है कि कुछ ऐसे टी वी सीरियल्स होते हैं मेरा भी रीज़न यही है कि मैं अवॉइड करती हूँ प्रोग्राम देखना बिकॉज़ उसमें अननेसेसरली इतना ड्रामा होता है मीन्स जो एक्चुअली कहीं होता ही नहीं किसी फैमिली में ऐसा ड्रामा नहीं होता है किसी की फैमिली के ऐसे मेंबर्स नहीं होते कि इतना ड्रामा घर के अंदर ही इतनी पॉलिटिक्स चल रही है वो सब नहीं होता है मोस्टली बट सीरियल्स में उन्हें कहाँ की वो फैमिलीज़ होती हैं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जिनके ऊपर वो वो सीरियल बनाते हैं तो जो देवर भाभी वाला बोला था ये एक रीसेंट सीरियल है आई डोंट नो कि वाज टॉकिंग अबाउट द सेम वन या नहीं बिकॉज मेरी लॉ जो है वो भी बहुत टी वी सीरियल्स देखती हैं मैं हमेशा उन्हें मना करती हूँ मत देखा करो दिमाग में उल्टी उल्टी चीज़ें आती हैं बट शी लव्स तो इसमें जो वो देवर वाला बताया था अभी रिसेंट जब मैं अपने इन लॉज़ के पास गई थी तो मैंने देखा था शी वॉज वॉचिंग दैट सीरियल और उसमें यही था कि जो देवर था ही वॉज़ हैविंग अफेयर विद हिज भाभी कि जब उस लड़के की इंगेजमेंट होती है तो भाभी जाके उस लड़की को बताती है कि ये मेरा है गंदा सा जो भी है तो जब मैं सीरियल देखा मैंने बोला ये क्या हो रहा है ऐसा भी कभी होता है मतलब देवर के साथ देवर इज़ लाइक ब्रदर यंगर ब्रदर है ना हम हमेशा कंसीडर करते हैं बोलते हैं कि देवर छोटा भाई है नानान जो है वो बहन बहन जैसी है ज़्यादा ही छोटे हैं तो बच्चों जैसे हैं मेरी कोई ननान नहीं है तो वो घर में जो क्लेश वाली कई लोग बोलते हैं मेरी लाइफ में तो टैचर्ड नहीं है पंगा और मतलब तो ऐसा नहीं होता बट और अगेन इन्होंने जो एग्जांपल्स भी दिए थे कि फीम फीम के लिए ऑल दो रियलिटी की सब लोगों को फीम तो अच्छा लगता है और बट आई थिंक इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ये फीम वीमेन वेल्थ इसके पीछे नहीं है बिकॉज़ बहुत सोबर से लगते हैं ऐसे कामली बैठते हैं इतना क्यूटली बयान देते हैं और जैसे बोलते हैं ना मस्त मोला ऐसे मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो तो फैंसी फैंसी चीज़ें या बहुत ऑडिटोरियम में जाके वो बयान दे रहे हैं वो सिंपल अपनी जमात जो उनका आ, जो भी रूम है जहाँ पे वो बैठ के बयान देते हैं वहाँ बैठते हैं बहुत क्यूट सी स्माइल रखते हैं फेस पे अच्छे से देते हैं बीच बीच में जब पंजाबी बोलते हैं बहुत अच्छी लगती है मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं इनके बयान और जो वो पोस्टर वाली बात बताई थी उन्होंने कि पोस्टर में अगर किसी का नाम थोड़ा सा साइड में हो जाए या थोड़ा सा उनके जो जिसको प्रोफेशनली उनके साथ अगर उनका टसल है और गलती से उनका नाम हाईलाइट हो गया उनका छोटा है या साइड में ही आ कुछ भी है तो ईगो हट होती है ना कि मेरा नाम कैसे छोटा हो गया मैं उससे कम हूँ क्या भैया मैं नहीं आता कर लो जो करना है तो वो वाली इशू होता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आ, जो हमारी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं इनके साथ कभी भी ऐसा होगा मिकाज़ ये तो uh, बहुत काम बहुत स्वीट हैं मैं बुरी नज़र नहीं रख रही बिल्कुल भी बिकॉज मिर्ज़ा साहब ने अपनी वीडियो में बोला है कि द रीज़न कि फीमेल्स को वीडियो भी नहीं देखना चाहिए सिर्फ ऑडियो सुन के तालीम लेना चाहिए द रीज़न इज़ कि वो जब देखेंगी तो उनके मन में ये फीलिंग आ सकती है कि कितना हैंडसम है बंदा या समथिंग बट रियली मिर्जा साहब बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से बयान देते हैं और मेरे साथ ही इनका एक्सपीरियंस भी मतलब पर्सनली बताऊं। आई रियली रिस्पेक्ट हिम आई लॉट रियली अप्रिशिएट मेरी एक रिक्वेस्ट पे इन्होंने मुझे परमिशन दी थी टू यूज़ हिज वीडियोस टू रिएक्ट ऑन और इस सच अ he ही such अ लवली पर्सन वेरी नाइस और जब इतने नाइस हैं जितनी उनकी स्माइल है तो ठीक है आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं बाय बाय आधा बजे.